न सिर्फ ये बल्कि जब तहफुजात की बात हुई तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया कि आपने 12% के तहफुजात का ऐलान किया तो तहफुजात से पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, कमीशन बनाया जाना चाहिए मुसलमानों के पसमानदगी के लिए। तो यही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, आप दीजिए नाम, हम कराएंगे, पूरा रिपोर्ट बनाएंगे। और फिर उसके बाद रिपोर्ट बनी, मुसलमानों की पसमानदगी की हकीकी तस्वीर सामने आई। फिर वो रिपोर्ट आने के बाद इसी ऐवान में खड़े रहकर मजलिस ने और मैंने कहा कि जब तहफुजात मिलेंगे तो मिलेंगे, आप इस वक्त ऐलान करिए कि मुसलमान जो एससी एसटी से पीछे हैं तो आप ऐलान करिए कि जो जो मराद, जो जो बेनिफिट्स, जो जो सहूलतें एससी एसटी को दिए जाते हैं आप ये एससी एसटी के तर्ज पर मुसलमानों को भी दीजिए। तो यही वो चीफ मिनिस्टर, यही वो कायद है जिसने खड़े रहकर कहा कि हां यह मुतालबा सही है और फौरन जियो निकाला जाए कि मुस्लिम शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।